Hi dear, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So आज हम बात करते हैं राहु कुंडली के 11th हाउस में क्या काम करता है. 11th हाउस का संबंध हमारे नेटवर्किंग से, हमारे जो इनकमिंग गेम्स है वो 11th हाउस. 11th हाउस का संबंध हमारे प्राइजेस से, जो भी हम अवार्ड्स लेते हैं, जो भी हम प्राइज अचीव करते हैं वो 11th हाउस है. 11th हाउस का संबंध लार्ज गैदरिंग से, लार्ज असेंबली से. 11th हाउस हमारे फ्रेंड सर्कल है और जो भी हमारी लाइफ की जो अचीवमेंट होती है, जो भी हमारा मॉनेटरी गेन होता है, जो भी हमारी अर्निंग होती है, वो सब 11th हाउस है. 11th हाउस का संबंध नए नए आइडियाज से और 11th हाउस का संबंध आपके होप्स एंड विशेस से, जो आप जीवन में पाना चाहते हैं वो 11th हाउस. राहु, राहु मीन्स डिजायर, राहु मीन्स डिसीवर, राहु मीन्स इल्यूजन, राहु मैजिशियन है, राहु क्रिएटर है, राहु इंटरनेट है. जितनी भी एडवांस नई टेक्नोलॉजीज होती है वो राहु है, जितना भी नया इन्वेंशन है वो राहु है. राहु साइंटिस्ट है. तो राहु जब कुंडली के 11th हाउस में आता है तो क्या होता है? राहु जब कुंडली के 11th हाउस में आता है तो आप अपने आप को सबसे खास दिखाना चाहेंगे अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में. जो भी आपकी क्राउड होगी, जो भी आपकी गैदरिंग होगी, वहां आप अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास दिखाना चाहेंगे. दूसरा राहु यहां पर एक लार्ज असेंबली, लार्ज गैदरिंग को गैदर करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, लोगों को इनवाइट करता है, लोगों को बुलाता है और उसके थ्रू राहु यहां पर अपना मॉनेटरी गेन करता है. 11th हाउस में अगर राहु है तो हो सकता है आप कोई एनजीओ वगैरह खोल दें और पब्लिक को ये शो करें कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं और आप लोग मुझे फंडिंग करो. तो राहु अगर 11th हाउस में है तो राहु का संबंध विदेशी चीजों से है, एक्सोटिक थिंग्स से. तो अगर राहु 11th हाउस में है तो कई बार फॉरेनर्स जो होते हैं वो ऐसे लोगों को कई बार बहुत अच्छी फंडिंग करते हैं और ऐसे लोगों के पास विदेशी भी पैसा आता है अपने एनजीओस के लिए और फिर ये एनजीओस के पैसे को भी यूज करते हैं अपने आप को प्रिविलेज देने के. यहाँ राहु बहुत ज्यादा डिजायरस हो जाता है अपने आप को मॉनेटरी गेन करवाने के. राहु की जितनी भी होप्स एंड विशेस होती है ना, राहु चाहता है मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊँ, बहुत सारा मॉनेटरी गेन इकट्ठा कर लूँ अपने सर्कल के थ्रू, अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू, पब्लिक के थ्रू, और मैं अपनी नीड को पूरा कर सकूँ. तो राहु यहाँ सोशलाइजिंग बहुत करता है, नेटवर्किंग करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, बड़ी बड़ी रैलीज को, बड़े बड़े स्टेज परफॉर्मेंस को राहु यहाँ प्रेजेंट करता है लोगों के सामने, क्राउड के सामने आके राहु उन लोगों से मिलता है. राहु मीन्स आप, अगर आपके 11th हाउस में अगर राहु है तो ये सारे काम आपके होंगे. फिर राहु यहाँ से देखता है अपने 5th एस्पेक्ट से आपके 3rd हाउस को. 3rd हाउस का संबंध है आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी स्पीच से, वर्बल टॉकिंग से, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल से, मीडिया से, एडवर्टीजमेंट से, मीटिंग से, मैनेजमेंट से, इंटरनेट से, टेलीफोनिक जो भी कन्वर्सेशन होती है उसका संबंध 3rd हाउस से. 3rd हाउस के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं. तो 3rd हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ता है तो 3rd हाउस की चीज़ों को राहु एम्प्लीफिकेशन देता है, यानी आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो. एड के थ्रू, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी जो पब्लिक से संबंधित जो आपका गैदरिंग है, जो आपकी असेंबली है, जो आपकी रैली है, आप उसको गैदर करते हो, आप उसको इकट्ठा करते हो. फिर राहु यहाँ से दिखता है आपके 7th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को.
फिफ्थ हाउस हो गया आपका ड्रामेटिक आर्ट, क्रिएटिविटी, स्टेज परफॉर्मेंस, चिल्ड्रन, एजुकेशन। तो आप अपने स्टेज परफॉर्मेंस के द्वारा, अपने क्रिएटिविटी के द्वारा, अपने एक्टिंग के थ्रू, अपने रोमांटिक अंदाज के थ्रू लोगों को गैदर करते, लोगों को अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, अपने स्टेज परफॉर्मेंस के द्वारा लोगों को फैसिनेट करते हो, जिससे क्राउड आपकी बढ़ जाती है, फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ जाती है। फिर राहु यहाँ से देखता है आपके अपने आपके सेवंथ हाउस को, हॉरोस्कोप के सेवंथ हाउस को। सेवंथ हाउस का संबंध होता है कमिटमेंट से, सेवंथ हाउस का संबंध होता है ज्वाइंट वेंचर से, सेवेंथ हाउस का संबंध होता है पब्लिक डीलिंग से और अपोजिट वर्ल्ड से, बिकॉज एसेंडेंट आप और सेवेंथ हाउस यानी सामने की दुनिया, अपोजिट वर्ल्ड। इलेवेंथ हाउस जो है वो गैदरिंग है और सेवेंथ हाउस जो है वो दुनिया है। तो सेवेंथ हाउस को अगर राहु देखता है तो सेवेंथ हाउस की चीजों को भी एम्प्लीफिकेशन देता है। तो आप हो सकता है पब्लिक के साथ ये कमिट करें, ये पब्लिक के साथ ये डील करें कि जो पब्लिक के लिए अच्छा होगा मैं वो करूंगा, आप मुझे नेता बनाओ, आप मुझे बॉस बनाओ अपनी टीम का, आप मुझे सीनियर बनाओ और आप मुझे फॉलो करो, तो जो मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ वो मैं पूरा करूँगा। तो इलेवेंथ हाउस में आके राहु कई बार आपको पॉलिटिशियन बना सकता है, आपको धर्म से संबंधित धार्मिक गुरु बना सकता है, आपको बिजनेसमैन बना सकता है, आपको नेटवर्कर बना सकता है। सेवेंथ हाउस की चीज़ों को राहु यहाँ पर यूज़ करता है, कमिटमेंट को यूज़ करता है, जॉइंट वेंचर को यूज़ करता है और आपसे बोलता है कि आप मेरे साथ जुड़ो तो मैं आपको जो भी आप चाहेंगे आपका फ़ायदा करवाऊँगा। लेकिन राहु एक प्रकार का डिसीवर है, राहु जो बोलता है वो कभी करता नहीं। राहु को चाहिए अपना मॉनेटरी गेन और अपना फेम और अपनी पहचान और अपना सुख। तो राहु कम्युनिकेशन के थ्रू, ड्रामेटिक आर्ट के थ्रू, स्टेज परफॉर्मेंस के थ्रू, अपने कमिटमेंट के थ्रू, अपने झूठे कमिटमेंट के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, लीगल बाइंडिंग्स के थ्रू अपना मॉनेटरी गेन करता है और अपने आप को पब्लिक के बीच में खास बनाना चाहता है। तो दोस्तों आज हमने बात करी राहु के बारे में, आगे हम बात करेंगे कि राहु कुंडली के 12th हाउस में क्या काम करता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका राहु आपके हॉरोस्कोप में क्या फल देता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने राहु को जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।